27 अगस्त पिछले 24 घंटे में साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर और नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश हुआ है। हाईएस्ट बारिश था गजपति डिस्ट्रिक्ट का काशीनगर में 57.4 मिलीमीटर, उसके बाद कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट का टीएच रामपुर में 43.0 मिलीमीटर, गोपालपुर में गंजाम डिस्ट्रिक्ट का 35.8 मिलीमीटर। स्टेट एवरेज रेनफॉल कमी था स्वाभाविक से, 2.4 मिलीमीटर हुआ है, 13.8 स्वाभाविक होता है। अभी पहले जून से आज 27 अगस्त तक टोटल रेनफॉल उड़ीसा में हुआ है 780.9 मिलीमीटर, इस समय तक का स्वाभाविक होता है 870.5 मिलीमीटर, 10% कम है बट स्वाभाविक रेंज में ही है। जिला वाइज बोध जिला में एक्सेस बारिश हुआ है, 18 जिला में नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है 11 जिला में, और अभी हमारा मॉनसून वीक कंडीशन प्रिवेल कर रहा है। फोरकास्ट अगला 4-5 दिन में मॉनसून वीक रहने का चांसेस है। नेक्स्ट 24 आवर्स में एक्सट्रीम साउथ उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे मलकानगिरि, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, कालाहांडी, गजपति, गंजाम में कुछ कुछ स्थानों पर, बाकी जिला में केवल एक दो जगह करके ही बारिश का थंडरस्टॉर्म का साथ पॉसिबिलिटी है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का पॉसिबिलिटी भी है मेनली मलकानगिरि, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, नवरंगपुर, कालाहांडी, गंजाम, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकता है। फिर कल से भी बारिश अभी कमी रहेगा, कल एक दो जगह करके ही बारिश रहने का चांसेस है। 29 को भी बारिश एक दो जगह में रहेगा, 30th में स्लाइटली इंटीरियर उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर, कोस्टल उड़ीसा में एक दो जगह में बारिश का पॉसिबिलिटी है। अभी 4-5 दिन में हमारा मॉनसून वीक कंडीशन प्रिवेल करने के चांसेस है, उसके बाद फिर इम्प्रूव होने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में पार्टली टू जनरली क्लाउडी स्काई होगा, थंडर एक्टिविटी कुछ कुछ एरिया में हो सकता है, बारिश का पॉसिबिलिटी कम है।